टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेंगे हमारे खिलाड़ी, धनखड़। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी हरियाणा के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से, पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में तिरंगे की अनबान शान बढ़ाने के लिए हरियाणा के प्रतिभाशाली खिलाड़ी पूरा दमखम लगा देंगे। हरियाणा के खिलाड़ी अपने देश, प्रदेश, जिला, गांव और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करने के लिए जाने जाते हैं। बुपनिया गांव के जयवीर अखाड़े में पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन शुरू हो रहा है। ऐसे अवसर पर अखाड़े में खिलाड़ियों के साथ टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं देते हुए गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। सभी को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के खिलाड़ी मेडल जीतने की परंपरा को कायम रखेंगे और इस बार पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए टोक्यो में हरियाणा और भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगे। धनखड़ ने कहा कि देश की ओर से टोक्यो ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सबसे ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि मेडल भी सबसे ज्यादा जीत कर लाएंगे। उन्होंने कहा कि झज्जर जिला से बजरंग पुनिया, मनु भाकर, राहुल रोहिल्ला, दीपक पुनिया और अंतिम क्षणों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए सुमित नागल ने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। धनखड़ ने अंतिम क्षणों में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर खुशी प्रकट करते हुए सुमित नागल के पिताजी सुरेश नागल को भी फोन कर बधाई और बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 बेटियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि पुरुष हॉकी में 2, बॉक्सिंग में 4, शूटिंग में 4, एथलेटिक्स में 3, कुश्ती में 7, डिस्कस थ्रो व लॉन टेनिस में 1-1 खिलाड़ी शामिल है। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर नकद इनाम देगी। गोल्ड विजेता को 6 करोड़, रजत विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता के 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था की उम्मीद है कि प्रदर्शन भी बेहतर होगा और पहले से भी ज्यादा मेडल जीत कर खिलाड़ी आएंगे और हम सब मिलकर विजेता खिलाड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। धनखड़ ने खिलाड़ियों को गुरु पर्व का महत्व बताया और गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए उनके कोच को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानने, निखारने, संवारने में सबसे बड़ा योगदान गुरु का होता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु को सम्मानित करना हमारी समृद्ध परंपरा रही है। इस अवसर पर जयवीर कोच, KD पाहसौर, नीरज लोहचप, नरेंद्र जाखल, बबलू लुक्सर, अशोक डावला सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे।